अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा साहब, यही हाल है योगी जी के गोरखपुर का, जहां योगी जी के सारे वादे खोखले लगते हैं। पुलिस प्रशासन के रवैये से जनता तौबा तौबा करती दिख रही है। गोरखपुर के खोराबाग अवैध वसूली में पुलिस मस्त है। रिपोर्ट लिखने में की जाती है आनाकानी। कोई घटना होती है, अगर किसी पीड़ित को कोई तरहीर देना है तो होमगार्ड को तैनात किया गया है। वही हजूरे आला तहरीर लिखते हैं और उसके बदले खुले आम पैसे लेते हैं। मामले की लिपापोती करने में तो साहब को महारत हासिल है, आप भी देखिए। और योगी जी आप भी सुनिए। क्या नाम है? संजना। क्या मामला है तुम्हारा? भाई का दोस्त था, भाई पैसा मांगा अपना, कई बार फोन किया, फोन भी नहीं रिसीव किया। पैसे को जैसे रात में छत पर चढ़ करके उसको चाकू पंच से मारा, मार के भागा, उसके बाद छत हल्ला किया भाई। मां दौड़ते हुए गए उसके घर तक, घर के कोई नहीं, जो लोग नहीं जागे। 100 नंबर पर कॉल किए हम लोग, 100 नंबर वाले आए, बोले कि जाए चौकी पे, या तो खोराबार थाना जाइए चौकी। कौन कौन, जैसे किस किस चौकी पर गई थी तुम? उत्तमपुर चौकी पे गए, तारामंडल की चौकी पे गए, उसके बाद खोराबार गए। खोराबार लिखा पड़ी हुआ, कागज गायब कर दिए लोग, दोबारा फिर लिखवाए, हमसे पैसा 170 एक बार लिए, 50 रुपए एक बार लिए, फिर भी नहीं सुनवाई किए लोग। फिर हम लोग गए, फिर तीसरा बार गए, कहें आइएगा मुकदमा दर्ज होगा, मुकदमा दर्ज भी नहीं किए, कहें आप लोग जाइए हो जाएगा काम, आज तक काम नहीं हुआ, 4-5 दिन हो गया। पैसा कौन कौन, कौन अंदर कौन कौन मांग रहा था पैसा जो तुमसे? पैसा एक पुलिस वाले थे अंदर, जो तो कंप्यूटर में निकाल रहे थे, वो बोले पैसा दीजिए, हम कहे पैसा मेरे पास नहीं है, हम अकेले कमाने वाले, उनके बहन हैं, मेरे पास पैसा नहीं है। कल जो है उसके पहले दिखाया था, वो हवलदार थे, वो पैसा लिए थे। और जो जैसे जिससे एप्लीकेशन लिखवा रही थी तुम, वो पैसा लिया था वो होमगार्ड, तो कितना पैसा? कई बार एक बार 50 रुपए दिए थे, और एक एप्लीकेशन जो वहाँ पे डॉक्टरी होती है वहाँ 270 लिए थे, आज कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। और तुमको वहाँ पर व्यवहार, जैसे महिला के नाते तुम्हारे साथ व्यवहार कैसा किया गया थाने? तो बोले लोग कहें कि क्या नौटंकी कर रहे हैं, हम कहें नौटंकी कर रहे हैं, आप लोग पुलिस वाले को कुछ लोग सुन नहीं रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा लेके आप लोग केस दबा दे रहे हैं। वो लोग बोले कि तुम जाओ, केस सही हो जाएगा, लेकिन कुछ भी आज तक हुआ नहीं। ये बताओ, जैसे तुम पहले दिन तहरीर दी थाने पर, तो वो तहरीर थी कि फिर तहरीर बदली गई? तहरीर बदली गई। अच्छा, पहले दिन तहरीर दी तो? पहले दिन तो सही लोग सब कुछ किए, लेकिन दूसरे दिन लोग बदल दिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि लोग पैसा लेकर का? पैसा ले, पैसा लेकर के केस लोग डाल दिए। ठीक, आप जो ये मामला आरोप लगा रहे हैं, किसी दबाव नहीं लगा रही हैं आप? नहीं, किसी के दबाव नहीं लगा रहे, हमको भाई का केस और भाई के दबाव। ऐसा नहीं कि आप कल आप पलट जाएंगे, नहीं हमारे में दबाव लगाया गया? कोई बात नहीं, भाई की मेरे जान के ऊपर कल की गोली मारने की धमकी दिया है, गोली भी मार सकता है। मैंने आपको पुलिस से कहीं कोई मदद नहीं मिली? कहीं कोई मदद नहीं मिला। पिताजी का नाम? लोरिक निषाद। ये कैसा चोट लगा है? चोट मेरा दोस्त मारा है। अच्छा, छत का सोए थे। हाँ। तो रात को आके पंच से मार दिया। अच्छा, तो इस समय कहाँ पर हैं आप? इस समय मैं खोराबर थाने पर हूँ। आपका FIR दर्ज हुआ कि नहीं? FIR दर्ज मैं 27 तारीख को करा दिया था। नहीं, यहाँ एप्लीकेशन दी हो ना? हाँ, एप्लीकेशन दी है। अभी FIR दर्ज हुआ कि नहीं? नहीं, अभी नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। कब से है यहाँ पर? यहाँ पे हम 11:30 बजे से आए हुए हैं। इस समय क्या बज रहा है? 3 बजने वाला है। अच्छा, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है? अच्छा, ठीक है, जाइए, आप आइएगा। अब आप ही बताइए योगी जी, जनता कहाँ जाए अपनी समस्या लेकर? आपकी पुलिस सिर्फ दबंगई के अलावा कोई और काम करना ही नहीं चाहती। थोड़ा आप समझाइए, शायद आपकी बात सुन ले दरोगा साहब।